मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम चौहान सिंह ने कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में किसान हित की बात करने वाली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को 6000 रुपए वार्षिक देने का ऐतिहासिक फैसला कर किसानों को सशक्त बनाने का काम किया। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी अपनी ओर से 4000 सम्मिलित कर दिए, जिससे किसानों को खेती में लगने वाले खर्च में भारी राहत मिल सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उन्होंने आगे कहा कि देश में विपक्षी दलों ने कृषि बिल के संबंध में किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसान भली भांति परिचित हैं। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के लिए सत्ता में आए कमलनाथ को किसानों का फसल ऋण माफ करने वाला झूठ याद कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को किसान हित की बात करना शोभा नहीं देता। रीवा और शहडोल संभाग के इस किसान सम्मेलन में पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला अन्य लोग सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। अगले महीना फिर किसान कल्याण निधि का पैसा डालेगा। महीना में कम से कम एक बार तो पैसा डालेंगे किसान के खाते में। कमलनाथ कांग्रेस के राज में कभी मिले थे क्या पैसा बताओ? खाते में कभी आते थे? किसान कानूनों का विरोध करेंगे क्या? खाके विरोध करोगे? सौ सौ चूहे खाके बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है पता है? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है बता सकते हो? ये विरोध करेंगे किसान का। ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं भी मेरी मन कोई बात होता नहीं है। इस कानून में क्या दिक्कत है बताइए? कई किसान पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खाद बीज के लिए पैसा भी मिल गया, मदद भी हो गई, और व्यापारी को 3000 रुपए फिर खरीदना पड़ेगा, कंपनी को खरीदना पड़ेगा। कोई बेईमानी नहीं कर सकता, और बेईमानी करेगा तो सजा मिलेगी। जैसे पिपरिया में आपको बताया, मध्य प्रदेश की पिपरिया 3000 रुपए कुंटल धान का तय किया। एक कंपनी राइस कंपनी ने दिल्ली की बदल गए, 3000 भी नहीं लेंगे तो ये कानून था नरेंद्र मोदी का। पकड़ लिया कंपनी को और 3000 रुपया कुंटल किसान का धान बिकवा के पूरे 3 दिन के अंदर पैसे खाते में डलवा दिए। इस कानून का चमत्कार। मेरी मर्जी भाई, गलत कंपनी कब्जा कर लेगी। अरे आप जाए काकी कंपनी में दम है, इधर कदम तरफ के लेके किसान के खेत में टांगे तोड़ के वापस भेजेंगे तो कब्जा कर सकता है? तो यहाँ के कहीं कंपनी कब्जा कर लेगी हमारी जमीन? फालतू की झूठी बातें करते, कोई कब्जा कर सकता है? और अगर रेट बहुत बढ़ गए तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रावधान भी है, 3000 के बजाय 6000 हो गया तो एक क्लॉज ऐसा, किसान चाहे तो समझौते से बाहर निकल सकता है। क्या बताइए भाई तुम्हें? पहले से मैं रेट तय कर लू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे किसान भाइयों, इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताओ, कोई बुराई है क्या? दर्द हो रहा है मोदी मोदी। अरे मैदान में मोदी से निपट नहीं पाते, यहां देखो चुनाव हार रहे, एक के बाद एक राज्य खिसकते जा रहे। कैलाश जी इंदौर में बैठे, भाभी विरोध में जो सुन रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी घबरा रही है, चारों तरफ हाहाकार मची है, नरेंद्र मोदी मारे जाएंगे। कौन कुछ नहीं मिला तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलो। और कौन कौन घुस गया आंदोलन में, जिसका अध्यक्ष अध्यक्ष जिसका जिक्र अध्यक्ष जी कर रहे थे, देश तोड़ने वाले कई तरह के गलत धंधे करने वाले। हम किसानों से बात करने को तैयार है। तीसरा किसान कानून मेरे बहनों और भाई, वो भी जरा ध्यान से सुनना ताकि गांव के चौपालों में जाकर बताओ। तीसरा कानून ये कहता है कि व्यापारी को अभी तक या कंपनी को खरीदो में इस खरीद में स्टॉक
लिमिट तय थी। स्टॉक लिमिट का मतलब तुम प्याज 50 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम आलू इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम धान इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते। अब नहीं रख सकते तो हम ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे नहीं तो कीमत गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्टॉक लिमिट समाप्त, जितना प्याज खरीदो, आलू खरीदा आलू खरीदो, धान खरीदा धान खरीदो, गेहूं खरीदो, चना खरीदो, खरीदने दो ना, क्या तकलीफ है? अगर ज्यादा खरीदेंगे ज्यादा बिकेगा तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कीमत बढ़ेगी। इसलिए स्टॉक लिमिट समाप्त कर दिया, सारे प्रतिबंध किसान पे, प्याज इससे ज्यादा नहीं रखोगे। और कई लोग ऐसे कि जरा कीमत बढ़ जाए प्याज की, आलू की, टमाटर की, तो ऐसे आंसू बहाते मर गए, महंगाई मार गई, छातियां पीटते रहते। अरे किसान को प्याज से एक बार मिल गया 30 रुपया तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? भी तो बिक जाता है। और मोदी जी ने स्टॉक लिमिट समाप्त कर दी, जितना चाहो खरीदो किसान के माल को ताकि कीमत बढ़ती रहे। बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? पीछे तक बताना कोई बुराई है क्या? अरे सीढ़ियों वाले तुम भी बताओ बुराई है क्या? ये तीनों कानून किसान के हित में है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए हैं। हम तीनों कानूनों के लिए, आओ मेरे किसान भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आइए आज पूरी दुनिया से कह दीजिए, मध्य प्रदेश के, विंध्य के, मालवा के, ग्वालियर चंबल के और बुंदेलखंड के किसान महाकौशल के नरेंद्र मोदी के साथ है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।